राम राम जी। गुरु नानक जी दा सोने की धरती उत्ते जाना। गुरु नानक जी यात्रा करते करते हिरण खंड विच पहुँचे। जो हिरण खंड विच पहुँचे तो बाला मर्दाना बहुत हैरान हुए क्योंकि वह सारी धरती सोने की थी सी अते उत्ते कोई भी बुढ़ा व्यक्ति उन्होंने नहीं सी मिलिया, सारे ही जवान सन। जदों उन्होंने गलबात की मर्दाना जी ने, मर्दाना जी ने पता लग्या कि वह सारे गोरखनाथ के चेले हैं अते योग साधना करते हैं। योग साधना नाल उन्होंने नज़दीक बुढ़ापा नहीं आता अते जदों उन्होंने अंतिम समा आता है अते पर्वत की चोटी ते जाके समाधि विच बैठ के ब्रह्म रंध्र विच अपने प्राण टिका के अपने प्राण कढ लैंदे ने। इस तरह सारे उत्थे विचरण करते हैं। गुरु नानक जी नूं जद नगरवासी मिले उन्होंने कहा, साडी उम्र ते लंबी हो गई है, साडे नज़दीक बुढ़ापा भी नहीं आता अते साडे प्राण भी आसानी नाल निकल जाते हैं ब्रह्म रंध्र द्वारा योग क्रिया द्वारा, परंतु साडे मन विच शांति नहीं है। कृपा करके कुछ अजिहा उपदेश करो कि साडा मन शांत हो जाए। नानक जी ने कहा, मन की शांति का उपाय सिर्फ नाम सिमरन है। तुसी परमात्मा दे नाम जप नाल जुड़ो, सत्संग करो, वंड के छको, इस तरह तुसी परमात्मा दे विच लीन हो सकोगे, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होएगी, मन नू परम शांति मिलेगी। योग साधना नाल जीवन जरूर लंबा हो सकता है, परंतु मन की शांति परमात्मा के नाम जप तो बिना नहीं मिल सकती। जो ये सब उन्होंने सुनिया तो बहुत प्रसन्न हुए, गुरु नानक जी के चरणों से मत्था टेकिया, गुरु नानक जी का आशीर्वाद दिता, सिखी धारण की, नाम जप नाल जुड़ गए। क्योंकि योग साधना ना उन्होंने मन काफ़ी हद तक विश्व विकारा तो दूर सी, ता करके नाम जप नाल बहुत जल्दी उन्होंने परम शांति की अवस्था प्राप्त हो गई। गुरु नानक जी ने कुछ समा उन्होंने देश विच रहना स्वीकार किया, फिर उपरंत नौ खंड पृथ्वी की यात्रा वल लग के तुर पे। धन्यवाद।